मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर बने जिले का सबसे बड़ा शासकीय महाविद्यालय में इन दिनों आर्ट कॉमर्स संकाय के प्रवेश को लेकर वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। शहर के पीजी कॉलेज, जिसमें जिले के सभी कॉलेज के बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर में वेरिफिकेशन को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों शहर में भीषण गर्मी के कारण तापमान लगभग 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं इस तपती धूप में जहां थोड़ी सी छांव मिले वहां बैठकर वेरिफिकेशन का फॉर्म भरकर लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इस संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि कॉलेज के हॉल में परीक्षा संचालित हो रही है, जिसके कारण यह समस्या आ रही है, जिसका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, ये सभी कॉलेजों के जो वेरिफिकेशन एक ही कॉलेज में हो रहे हैं, भीड़ लगी है, धूप में बच्चे खड़े हैं जी, क्या इनके लिए कोई व्यवस्था वगैरह? खरगोन पीजी कॉलेज जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है और यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अलग अलग चार जगह, पीजी का अलग, ऐसे चार जगह वेरिफिकेशन हो रहे हैं। चूँकि कॉलेज शहर के बहुत नज़दीक हैं, इस वजह से गर्ल्स कॉलेज के बच्चे, श्री जी कॉलेज के बच्चे, माननीय श्री सुभाष जी यादव मेमोरियल कॉलेज, देवी रुक्मणी कॉलेज और सारे कॉलेज के बच्चे यहीं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सामने कराते हैं और यहाँ वेरिफिकेशन करा रहे हैं। इसके कारण ज़्यादा संख्या हो रही है, क्योंकि केवल आर्ट्स के बच्चे की संख्या में भी ज़्यादा है और इनकी लाइन बड़ी है, पास में हाल बड़ा है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये अभी 2 बजे तक परीक्षा है, ये परीक्षा हो जाएगी तो हाल में व्यवस्था कर दी जाएगी। सर, 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उसमें बच्चे बाहर खड़े हैं, किसी को कोई बच्चा आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, बच्चे परेशान नहीं होना चाहिए, ये परीक्षा परीक्षा है और कल से परीक्षा उस हाल में नहीं होगी और बच्चे सब वहाँ बैठेंगे, काफ़ी अच्छी व्यवस्था।